हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? सो आज एक मैं नया व्लॉग डाल रहा हूँ। तो आज का व्लॉग होगा 100K सेलिब्रेशन व्लॉग्स। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा आज किसके 100K फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं। जानते हो आप सबको? जानते हो किसको? जानते हो उनको? जानते हो? बुलाए उनको। दुष्यंत भैया आना है, कुछ बच्चे बुला रहे हैं बाहर। और ये कह रहे हैं कि हमने खास करके देखा होगा। पता लग रहा है। मैं लिटरली मैं इतना यूट्यूब मैंने मैं चला नहीं पाता, पर यहाँ के बच्चों को एक बार मैंने जिक्र किया, दुष्यंत को कौन कौन जानता है भैया? हमने मैं जानता हूँ बच्चे लोग कभी नहीं आएंगे। एक बार आप सभी का इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर मैं आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ। डेफिनेटली बहुत आपका मेरा भी दिन बहुत अच्छा होने वाला है आज। तो यहाँ से दुष्यंत का तो इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, बाकी जानता सभी को ही हूँ मैं, भाई को भी जानता हूँ मैं। भाई की मैंने उस पर देखा था इंस्टा पे भी, आप भी वीडियो बनाते हो। हाँ हाँ हाँ, तो आपसे शुरू कर लेते हैं। हरियाणा मेरा बाद में करेंगे, सबका ले लूंगा, व्लॉग बनाऊंगा मैं। राम कुमार शर्मा, सलमान अंकित डांसर अगस्त। बताओ, डरना नहीं है बेटा, बोलो। कहाँ रहते हैं? ये मेरा है। आपने हमेशा ये सोचना कि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस टीम एंड वी विल वर्क लाइक ए टीम। मैं मानता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे आप कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं सोसाइटी के, बट फॉर दिस एनजीओ, फॉर दिस चिल्ड्रन, वी हैव टू यूज। आपको जो लगता है कि मैं मेरे लेवल पे ना ये कर सकता हूँ इन बच्चों के, जरूरी नहीं है। चाहिए आपको ये लगता है कि मैं ना महीने में एक बार आकर के मैं एक बच्चे से बात करना चाहता हूँ, वो भी हमारे लिए। वो एक कहावत है कि वो कहता नहीं पैसे नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं वक्त देता हूँ गरीबों को जो अमीरों के पास नहीं। वो ही बहुत बड़ी बात है। प्रयत्न आपका है, और कहीं पे भी ये मत बताना कि अनिल काम कर रहा है। आप हमेशा ही बोलना कि हमारी टीम काम करती है, क्योंकि जिस दिन मैं लाइम लाइट में आऊंगा लिटरली मैं इन बच्चों से जुड़ ही नहीं पाऊंगा। तो बाकी आपको जो ठीक लगता है ना दोस्त वो करना, कोई भी फाउंडेशन नहीं किसी भाई पे। बाकी और किसी कोई मैं सच में इसका बर्थडे में रियली मैं मीनिंगफुल बनाना चाहता था लिटरली, कि सच में पता लगे क्या सोसाइटी में ये भी होता है। किसका बर्थडे है? अरे सॉरी, आज वो नहीं, अमर का जो कि भाई मैं आप सबसे मिला हूँ तो और जान जाऊंगा पता लगे। दुष्यंत भाई आप कुछ, आपका कोई भी व्यू आप भी बताओ सभी का। मतलब मिशन क्या है? मिशन हमारा ये है कि जो एजुकेशन है ना, हम इसको इनोवेशन घुसाना चाहते हैं इसके अंदर। स्कूल लेवल पे आज इतना ही प्रश्न याद कर लो, अगर मैं बोलूँ आज आप स्कूल में पढ़ रहे होते प्रेशर इतना होता तुम्हारे पास, साइंस के एसएस के क्वेश्चन याद कर गया, अभी तुम्हें क्या मतलब है मुगलों से, उन्होंने क्या भी किया हो। तुम्हारा टैलेंट है उसको शार्प करना है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपिंग का पता होगा कोडिंग। यहाँ पे छोटे से बात बोल रहा हूँ, अगर हमें हमारे रूट्स नहीं पता होंगे तो हम कैसे इनोवेट करेंगे?
क्यों नहीं मुगल जानने चाहिए, क्यों नहीं ब्रिटिश जानने चाहिए? नहीं नहीं वही तो बता रहा हूँ मैं, अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं जानना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि माइंड क्या होता है कि एक चीज, एक मैच्योरिटी, एक एज होती है, जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं तो हम चीजों को उनकी ग्रेविटी समझते रहते हैं। अब क्या है कि छठी क्लास में, सेवन्थ क्लास में बच्चों को बहुत सारा ऐसा डेटा, अननेसेसरी डेटा है जो बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। अब क्या है कि अगर मैं ब्रिटिशर्स की अगर मैं बात करूं कि आज अगर मेरे को हिस्ट्री पढ़नी है तो लिटरली छठी से लेकर दसवीं क्लास की हिस्ट्री मैं पढ़ भी लूंगा और उसको मैं एब्जॉर्ब भी कर पाऊंगा। तो इन चीजों को एक अलग सिलेक्टिव तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब क्या है कि हम जितना भी कुछ करवाते हैं वीडियो विजुअल से करवाते हैं। अब स्कूल के अंदर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स क्या है कि सीनियर बच्चे जूनियर्स बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट करके देते हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि वो पढ़ाने नहीं चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर टैलेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ अगर कोई स्क्रिप्ट राइटर है ठीक है, उसको तो डेफिनेटली बहुत, मैं कह रहा हूँ जितना डेटा पढ़ेगा उसके लिए उतना ही कम है, पढ़ना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि अब धीरज है एकेडमिक्स में कमजोर है अभी, पर यहाँ पे HTML पे कोडिंग कर लेता है। क्या क्या आता है बेटा बताओ आपको? HTML, CSS और PHP में काम करते हैं। PHP पे, PHP कौन सा पाइथन है क्या? नहीं यार, PHP बैकएंड पे काम करती है। जो हम डेटा जो डालते हैं एंटर करते हैं वो लॉगिन वाले पेज में जहाँ पे सेव होता है वो बैकएंड में जाके होता है। अभी ये 10th इसको ओपन से करवाएंगे। अब मुझे पता है कि ये इस फील्ड में बहुत आगे जा सकता है, तो इसको 10th अभी एक धुरीना ना मेरे दोस्त है, उसका एक IT स्टार्टअप है, कनाडा में भी है, इंडिया में भी बिजनेस है उसका, तो उनके साथ ये काम करने वाले, यानी 10th क्लास में ये किसी कंपनी में काम कर रहा होगा और 10th में इतना सीख जाएगा जब इंजीनियरिंग में भी नहीं सिखा पाएंगे। तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज आप मेरे को करेक्ट कर दीजिए। And most recent from, hope you all have heard about the Oxford University in London. So there is an anthropologist currently, Rosaline, she is in the Bolivia right now. And I'm also working with them. Actually, they are environment activists and they are working at the global level for the education. And if I talk about the Jose Megan, you can also scroll on the Wikipedia about the Jose Megan. He's the one of the great men in the history. And he is the Guinness Book World Record holder in the longest walk on the earth. And he was given the only education award in the USA. And he also, you know, got Charles to, he also had a lunch with the Jimmy Carter. At that time, he was the president of the America. So, ek American president ki family ke saath wo lunch kar rahe hai, toh definitely, he really have the potential. Kaise bahut saare log hai. और हम, मैं हाईलाइट इसलिए नहीं होना चाहता क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड लोग हैं जो क्या है कि धर्म के नाम पर और उस नाम पे सब दबा दिया जाएगा। अगस्त सब कुछ करते हैं, सहेलियां मैं बैठ के ने पीवे कॉफी तू यार महफिला मैं बैठ नीट पैग मार जा ओ तुसे नखरेली छोरी तेरा कोई ना सरूर मारा प्यार लाल परी गेला सीना ठार जा ओ जान जान कहने आला जाके टोले तू रे बेबी बेबी कहने आला जाके टोले तू छोरी मारे गेला तेरी दाल कौन गलेगी ओ कोक कॉफिया ने छोरी पीने वाली तू अड़े पक्के सा शराबी तेरी कौन बनेगी रे छोरी कौन बनेगी हाँ देख कैसे स्टेटस में लावे यारी तू छोरा हाँसी वाला यारी यहाँ पे जानवर दा उन मानसा में गिनती ना लाइए यार की जो छोरी पाछे यार गाड़ी हाथे तार दा उन मानसा में गिनती ना लाइए यार की जो छोरी पाछे यार गाड़ी हाथे तार दा ओ लाके पैग चार पूरी बोतल मुका के लाके पैग चार पूरी बोतल मुका के गावा उच्ची उच्ची गाने मारी रूह खिलगी ओ कोक कॉफी आने छोरी पीने आली तू अड़े पक्के शा शराबी तेरी कौन बनेगी कौन बनेगी रे
अगस्ते डिमांड पे है भाई, क्या की हो गया 100 किलोमीटर बना के बात होगी, ईल की हो गया कर दे भाई, भाई को एक समोसा और खिलाओ। आपको कैसे लगता है रस्ते कैसे गाने गाते हैं? क्या सुनना है, गाना सुनना है? भाई का मन ही नहीं है आप बोल दो कि आप था सुन ले। बाहर से आवाज आ गई अब तो। अरे यार डांस करो यार, अंकित भाई डांस करो। बिना गाने के डांस कैसे करें? गाना तो गाओ भाई, ऐसे नहीं है यार, पहले गाना तो गाओ फिर करेंगे डांस। कौन सा गाना गाएंगे अपना? गाना छोटी वाला गा दे। आपका तो YouTube पे गाना आ गया ना? हां नहीं चलाई तो यार यहां पे। हां हां वो लगवाए हुए हैं क्या? टीवी पे लगवा लो। हां स्क्रीन में बीच में सेंटर में बटन है उसके, सेंटर में कॉपीराइट ना दे दिया। Here are some videos. ओएसी चला दे भाई सारा कुछ पर सारे भी। ओरिजिनल आईडी तो कौन पता तेरी कौन सी है? ओएसी को लगा दो बल वाली सारी। किसी और कमेंट में उसे लिखा था मतलब खाली कमर है। तो आप वो जो भी गाड़ी देख रहे थे आप वो ऐसे कहती कैसा गाड़ी ये तो हमारे जापान की है। फिर आप थोड़ी देर बाद कुछ बोले मैंने बोला ये मीटर भी इंडिया का है। वो बहुत पैसे छप रहा है, बहुत पैसे लेगा इंडिया का मीटर, वेरी वेरी फास्ट। चेक तो नहीं करता ना अभी तक? इन्हीं को फैंस बोलते हैं। सो गाइस आपने देख लिया हम सब ने कैसे सेलिब्रेट किया। बस अब हम हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? सो गाइज मैं अभी अपना व्लॉग एडिट कर रहा था और मेरे को पता लगा व्लॉग बहुत बड़ा बन चुका है, मतलब बहुत बड़ा 30 मिनट्स एंड अबव। सो गाइज मैं इसको दो पार्ट्स में डालूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलो आगे मिलते हैं दोबारा फिर कभी किसी नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। बाय बाय।